देखिए राजीव जी, जिस हॉल में वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था वो खचाखच भरा हुआ था और उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हुए थे क्योंकि सीटें नहीं थी पर्याप्त, और मुझे लग रहा है ये संख्या हजारों में थी। इतना हुजूम था और उसके जब राहुल गांधी ने एंट्री की है तो लोगों का उत्साह देख करके राहुल गांधी का सीना 56 इंच का हो गया। मोदी जी तो सिर्फ भाषण में ही बोलते हैं लेकिन असल में आपने वो पूरा वीडियो देखा ही होगा, इस देश के करोड़ों लोगों ने देखा है कि जो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में दिख रहा था, और उस प्रयागराज में जहां पर 48 साल के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है इस बार, वो इलाहाबाद जहां आनंद भवन हुआ करता है, जहां पर पूरे स्वाधीनता आंदोलन के तमाम लोग, तमाम क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से वो एक पवित्र घर की तरह था, वहां पे राहुल गांधी थे, संगम के उस पूरे स्थान पर राहुल गांधी थे। मंच पर जो बातें उन्होंने कही हैं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि आज देश में जाति जनगणना का मुद्दा सबसे बड़ा हो गया है, इस देश के लोगों ने आदेश दे दिया है। और राहुल गांधी ने जिस बात को रेखांकित किया है वो दरअसल 2 या 3 दिन पहले ही इंडिया टुडे का जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है उसमें निकल करके आया था। अगस्त महीने में जो सर्वे आया है उसमें 78% लोगों ने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। यह मुद्दा जो आज पूरे देश में, और अब तो एनडीए के साथी भी कहने लगे हैं, चिराग पासवान ने आज अल्टीमेटम दे दिया है नरेंद्र मोदी को कि जाति जनगणना आप कराइए। और तो और ये मुद्दा कितना जमीन पर पहुंच चुका है, जेएनयू जैसे संस्थान में छात्र संघ के आंदोलन के आगे झुके हुए प्रशासन ने यह तय किया है, एक मांग वहां पे थी कि जेएनयू के जो छात्र हैं उनकी जाति जनगणना कराई जाए, तो जेएनयू से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है और नरेंद्र मोदी अब इसे रोक नहीं सकते हैं। और अगर रोकते हैं तो जो राहुल गांधी ने कहा कि आप नहीं करेंगे तो फिर अगला प्रधानमंत्री इसे करेगा, लेकिन ये कास्ट सेंसस अब रुकने वाला नहीं है। और इसके पहले भी पार्लियामेंट के भीतर भी राहुल गांधी ने इस बात को बोला था कि जाति जनगणना होकर के रहेगी और अगर यहां नहीं होगी तो फिर जब हम आएंगे तब इसी पार्लियामेंट के भीतर वो आंकड़े पेश करेंगे। ये मुद्दा से लेकर के और आरक्षण के 50% की सीमा खत्म किए जाने के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने जोर दिया, और बाकायदा उन्होंने इस देश में जो सामाजिक न्याय की चिंता है उसको विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, चाहे सिनेमा का क्षेत्र हो, इन तमाम जगहों पर कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, इसका आंकड़ा उन्होंने इशारों इशारों में ही पेश किया। और ये बताया कि जाति जनगणना इसीलिए जरूरी है कि संसाधनों पर किसका कितना कब्जा है। हम देश में नीतियां तभी बना सकते हैं जब हमारे पास वो आंकड़े होंगे। ये केंद्रीय विषय था प्रयागराज के संविधान सम्मेलन का, और राहुल गांधी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी जिनके तमाम से पहसालार चुनाव के पहले कह रहे थे कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि संविधान मिटाना है, संविधान बदलना है, लेकिन राहुल गांधी ने जब अपने हाथ में उस संविधान को लिया, इस देश के वो तमाम लोग, करोड़ों लोग राहुल गांधी के उस आह्वान से जुड़ गए और उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक नरेंद्र मोदी के उस पूरे मिशन को कि साहब संविधान हमें हटाना है उसको पटकनी दी, उसको उसको जवाब दिया, और हालत यह है कि 240 पर आकर के अटक गए और आज नरेंद्र मोदी उसी संविधान के आगे शीश झुकाते हैं। ये राहुल गांधी ने करिश्मा करके दिखाया, वो बात भी राहुल गांधी ने कही, कई और मुद्दे थे वहां पे लेकिन केंद्रीय मुद्दे यही थे। और मुझे लगता है कि प्रयाग से आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसके लिए भी बिगुल फूंका जा चुका है, और 27 का इलेक्शन भी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की तरफ जाते हुए दिखेगा, ये जमीन पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, आंखों देखी बता रहे थे, जा रहा था। थोड़ा सा और बताइए कि यहां से राहुल गांधी का रोल, यहां से सत्ता पक्ष पर राहुल गांधी, विपक्षी दल इंडिया गठबंधन कैसे यहां और दबाव बनाने की कोशिश में जुगत में हैं, और यहां से कैसे अपने मुद्दों पर अडिग दिखाई देते हैं राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोग, कैसे क्या कुछ है अंदर खाने? जी, प्रयागराज के संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बात और कही थी,
उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से यह सीखा है कि क्या नहीं करना है, और एक तरह से बीजेपी हमारे लिए गुरु है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो किया है, आपने वादा किया 15 लाख देने का, किसानों को एमएसपी देने का, उनकी आय दोगुनी करने का 22 में, 2 करोड़ रोजगार से लेकर के इतने सारे वादे, वो सब जुमला साबित हुए। और सारी झोली सारी थैली किसकी भर रही थी? अंबानी और अडानी की। देश के लोगों की आपको परवाह नहीं थी, चाहे वो लद्दाख में सैनिक हताहत हो रहे हो या मणिपुर में महिलाओं के रेप हो रहे हो, किसान आंदोलन में चाहे वो किसान शहीद हो रहे हो या फिर दलितों पर अत्याचार हो रहे, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही। नरेंद्र मोदी ने कभी भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी हर उस मुद्दे के साथ खड़े होते हैं जो जनता से जुड़ा है, उनके चाहे स्वाभिमान का सवाल हो, सम्मान का सवाल हो। राहुल गांधी ने वहां पे रामचेत का भी जिक्र किया, वो रामचेत जिनसे वो सुल्तानपुर से लौटते हुए मिले थे जब रायबरेली जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वो स्किल मैंने कभी नहीं देखा और मैंने उसको सिलने की कोशिश भी की लेकिन मैं कर नहीं पाया। हालांकि राहुल गांधी ने सिला उस जूते को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं असफल हूं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उस स्किल को कोई सम्मान नहीं मिलता। ये जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे इस देश में दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, या आज की तारीख में उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों पर तो डायरेक्ट हमला हो रहा है, बेहद संकट में उनका जीवन है, उनके जो उद्योग धंधे हैं, व्यवसाय है, वो खतरे में, घर तोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ये सीखा है बीजेपी से कि क्या नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर रहे हैं उसमें आपने जो 10 साल में पूरा गुब्बारा फुलाया था कि होना तो कुछ नहीं है लेकिन ब्रांडिंग करते रहिए विश्व गुरु की, ब्रांडिंग करते रहिए 56 इंच के सीने की, साहब नरेंद्र मोदी तो वार रुकवा देते हैं और अभी अभी लौट के आए हैं गले पड़ के जेलेंस्की के, हुआ क्या? आज ही हमला हो गया, तो पापा ने जो वार रुकवाई थी उसका क्या हुआ? ये जो छद्म है, ये झूठ की राजनीति है, वो टिकाऊ नहीं होती। वो भक्त मंडली को छोड़ दीजिए, उनके आंखों पर तो वो पट्टा बंधा हुआ है। जैसे जो जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे कि बैलों से जब वो फसल की रुदाई की जाती है तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, वो वहीं घूमते रहते हैं। ये भक्त मंडली उसी तरह की है, उसको वही दिखता है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति चारों खानों चित हो चुकी, और जब से वो छद्म टूटा है, बीजेपी के भीतर लगता था कि मोदी जी 400 जिता करके लाएंगे, लेकिन हुआ क्या? नतीजा तब ये आया है जब चुनाव आयोग बैठा हुआ था, ईडी सीबीआई खेल कर रही थी, गोदी मीडिया लगातार भक्ति कर रही थी, उसके बाद भी 240 पर गिनती में प्रशासन क्या कर रहा था, ये सारे कुछ के बावजूद 240 पर आपकी गाड़ी अटक गई तो आज चिराग पासवान भी आंख दिखा रहे हैं, जेडीयू भी, और नायडू साहब तो चले आते हैं हर सप्ताह लेकर के अपने एटीएम। तो ये जो राजनीति आपने खड़ी की थी इस देश में, उससे बीजेपी के भीतर के लोग नहीं बोल पा रहे। आपके कैमरे में भी कोई दूसरा नेता नहीं होता था, और वो फोटो तो कोई नहीं भूल सकता जिसमें राजनाथ सिंह माला के भीतर घुसने की कोशिश करते हैं, अमित शाह जैसे ही आंखें दिखाते हैं बेचारे बाहर हो जाते हैं। ये तो हालत बीजेपी के नेताओं की। लेकिन अब जब मोदी जी का वो छद्म बेपर्दा हो गया है, अब उनके पार्टी के भीतर के अंतर्विरोध सामने आने लगे हैं और इसीलिए लोग बोलने लगे हैं खुल के, वो टिप्पणियां होने लगी हैं। यहां योगी आदित्यनाथ को नहीं आप हटा पा रहे हैं, चाहते तो बहुत है उत्तर प्रदेश में कि बदलाव करें, और वहां से लेकर के हर जगह पर नितिन गडकरी का मामला हो, चाहे अमित शाह का मामला हो, ये सारी चीजें जो है वो दिखाती हैं कि मोदी जी राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके हैं और अब यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहे हैं। जो ये कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी और मोदी है तो मुमकिन है, अब तो ब्रॉडकास्ट बिल आप लाए ही नहीं, आपने वक्फ बोर्ड संपत्ति वाला वो जेपीसी को दे दिया,
लेटरल एंट्री को आपने वापस कर दिया, और अभी जो राहुल गांधी ने कहा, मैं भी डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भी कास्ट सेंसस कराएंगे, रोक नहीं सकते हैं अब वो, ये जमीन तक चली गई है बात। 78% लोग कह रहे हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए। मूड ऑफ द नेशन, इसको आप कैसे बदलेंगे? और इसमें सबसे बड़े जो एक ऐसे माहौल को बनाने में जो किरदार हमारे सामने है वो राहुल गांधी, बिना डरे बिना, और राहुल गांधी का कितना अपमान किया इन लोगों ने, आज भी लगे हुए हैं जिस तरह से अपमान करना, डिस्क्रेडिट करना। लेकिन जो व्यक्ति लोगों के दिलों में भरोसा पैदा कर लेता है, फिर आप कुछ भी करते रहिए, वो उसी इकोसिस्टम के भीतर वो चल रहा है, इसके बाहर नहीं है। आज किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, कोई भरोसा करेगा राहुल गांधी के बारे में जो ये कह रहे हैं? आलू डालो सोना निकलेगा, काम खत्म हो चुका है। आप तो जान गए कि लोग मोदी जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। विश्वगुरु कौन बन रहा है साहब? अडानी साहब का संपत्ति कैसे बढ़ रही है? अद्भुत है कि अडानी साहब कुछ बनाते नहीं है, कोई उद्योग धंधा उनका नहीं है, लेकिन संपत्ति बढ़ती जा रही है। जो देश ने बनाया, जो नेहरू जी ने बनाया, जो इंदिरा गांधी ने बनाया, वो उठा करके बेच दिया मोदी जी ने। अब राहुल गांधी उन चीजों को बेपर्दा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं। जब वो खड़गे जी का सम्मान करते हैं, आपने कभी देखा मोदी जी को? आज इस देश का दलित इस बात को देख रहा है कि खड़गे जी के प्रति कितना सम्मान है राहुल गांधी के द्वारा, तो वो दिलों में जा रही है बात। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि मायावती तत्काल प्रतिक्रिया करती हैं। उनको लगता है कि मेरा जो वोट बैंक है कहीं वो कांग्रेस की तरफ पूरी तरीके से ना चला जाए, इस बार तो आया ही, कहीं और ज्यादा शिफ्ट हो जाए, तो वो लगातार उस पर प्रतिक्रिया कर रही है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, अंदर से लेकर के बाहर तक कमजोर हो चुके हैं, और अब वो राजनीति जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी के पिच पर कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उनका कोई भी कार्ड इस समय नहीं चल रहा है। राहुल गांधी जहां उनको खिला रहे हैं कि आप किस पॉइंट पर खेलेंगे, वहीं पर मोदी जी को खेलना पड़ रहा है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।